दैट इज़ वाई यू शुड नॉट स्टैंड आउटसाइड ड्यूरिंग अ लाइटनिंग स्टॉर्म, इसीलिए आपको बिजली के तूफान के दौरान बाहर खड़े नहीं होना चाहिए। लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आसमान पर चमकने वाली बिजली भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टे सेफ, अब आप किस तरह से अपने आप को महफूज रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। नेवर टच अ पावर पॉइंट विथ वेट हैंड्स, के गीले हाथों के साथ कभी भी पावर पॉइंट को टच नहीं करना। डोंट प्लग टू मैनी अप्लायंसिस इंटू अ पावर पॉइंट, और एक पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा बिजली से चलने वाली चीज़ें नहीं लगानी। नेवर पोक अराउंड इनसाइड एन इलेक्ट्रिकल अलायंस वाइल इट इज़ स्विच्ड ऑन, जब बिजली से कोई भी चलने वाली चीज़ ऑन है तब आपने कोई भी नोकदार चीज़ उसमें नहीं चुभोनी। ओके, आपने पेजेस की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, और रीडिंग करने के बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग राइट करने हैं। कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बता रही हूँ। इलेक्ट्रिकल, बर्क के मुतल्लिक, फ्लो बहना या फिर रवा होना, लाइटनिंग बिजली या फिर बर्क। अप्लायंसिस औजार या फिर सामान, पोक चुबोना, एलुमिनियम एक हल्की किस्म की धात। कंडक्टर्स मुअस्सल, इंसुलेटर गैर मुअस्सल। अलायंस ताल्लुक या फिर इत्तहाद, स्टॉर्म तूफान। मटेरियल मवाद। ओके, आपने इनको अपनी बुक में पेंसिल से राइट करना है और इन्हें अच्छी तरह से लर्न करना है। नाउ ओपन योर साइंस नोटबुक एंड रेडी योर नोटबुक, योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड वन फिंगर गैप इन योर वर्ड्स। मेंशन योर डेट, क्लास, वर्क एंड डे। यूनिट नंबर 10, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मैंने ये आपकी वर्किंग पेन से की है ताकि आपको वर्ड्स क्लियर दिखाई दे, आपने पेंसिल से राइट करनी है। आंसर द क्वेश्चन, योर क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या हैं। नेम सम ऑफ देम, कुछ के नाम बताएं। आंसर इज कंडक्टर्स आर मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, कंडक्टर्स ऐसे मवाद हैं जिनके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बह सकती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर यानी कि तांबा, पानी, सोना, चांदी। ओके, आपने इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में राइट करना है और अच्छी तरह लर्न करना है। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। अल्लाह हाफिज़।